माँ एक ऐसा शब्द है, माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बना है जिसके माँ के विषय में कुछ वर्णन किया जा सके, कोई कुछ बोल सके। माँ एक ऐसा शब्द है कि जब भी कोई बालक माँ कहता है उसका पूरा मुख खुल जाता है, अर्थात वो अपनी सारी बातें जाकर के अपनी माँ से कह देता है। माँ के लिए कोई शब्द नहीं बना है, निशब्द है, एक बड़ा सुंदर पद है। आइए हम सभी मिलकर गाते हैं। कि जग में माए बिना के हुए, अरे जग में माए बिना के हुए, सहाय ना हुई हो, सहाय ना हुई, तके हो कितनो दुला दर्शन करिए माँ ने क्या क्या नहीं किया हम बच्चों के लिए। माँ का हम कई जन्म ले ले फिर भी कर्ज नहीं उतार सकते। साधक कहता है कि ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई, ये हो।
को जन्म देती है। घर में अगर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी उस माँ को वो बच्चे बोझ नहीं लगते। वो माँ किसी के घर में बर्तन धुल करके, कपड़े धुल करके, सबकी सेवा करके अपने बच्चों का लालन पालन करती है। लेकिन आज के समाज की स्थिति ये हो गई है कि नए नए वृद्धाश्रम तैयार होते जा रहे हैं। सभी माताओं को लगभग बेटे ले जा करके उस वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। जो वृद्धावस्था, जो बुढ़ापा घर में अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ बीतना चाहिए, आज वो वृद्धाश्रम में बीत रहा है। एक बेटे से वो माँ नहीं पाली जाती। कितने दुख की बात है। दर्शन करिए माँ क्या करती है। अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के, भगवान कैसे दिखते हैं, लेकिन अगर इस धरती के कोई भगवान हैं तो अपने माता पिता हैं। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा कृत्य ना किया जाए जिससे हमारे माता पिता को कोई कष्ट पहुंचे। महाराज, जीवन में सब कुछ आपको पैसे रुपए से प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपने माता पिता, एक बार माँ चली गई तो फिर जीवन में कभी दोबारा मिलने वाले नहीं, चाहे आप लाख यत्न कर लीजिए। साधक कहता है, रुपया पैसा लाख कमाई बा, सुंदर रंग महल बना।